अंधेरे आसमान से दिख रही सड़क, हूटर और पुलिस लाइट से लैस तीन गाड़ियां नमूदार होती हैं। इस सीन को लोड करने वाला किरदार बीच की गाड़ी में को ड्राइवर सीट लिए हुए है। काफिले के रुकते ही H&K MP5 ऑटोमेटिक एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से वर्दीधारी गाड़ी का एक दरवाज़ा खोलता है। 90 के दशक का क्लासिक 6-बटन कोट पहने लीड कैरेक्टर गाड़ी से बाहर आता है। कमोबेश हर एक्टर जिंदगी में एक बार ऐसा ग्रैंड एंट्री सीन ज़रूर करना चाहता है, लेकिन जो आपने देखा और सुना उसमें फिल्मी कुछ भी नहीं सिवाय इरादों के। ये वीडियो क्लिप 2011 बैच के IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह की है। सितंबर 2023 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने से पहले अभिषेक कई बार खबरों में रहे। आरोप हमेशा यही रहे कि ये दफ्तर से ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, और अब वे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 2023 बैच की ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर पर पद के दुरुपयोग सहित UPSC में नकली सर्टिफिकेट लगाने के आरोप लगे तो लोग अभिषेक सिंह का उदाहरण भी सामने ले आए और UPSC पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। IAS पूजा खेड़कर सबसे पहले अपनी निजी लग्जरी कार पर हूटर और पुलिस लाइट्स लगाने की वजह से विवादों में आई, और उसके बाद उनके नाम पर करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद OBC सर्टिफिकेट का मामला उछला और आखिर में पूजा खेड़कर के लगाए दिव्यांग सर्टिफिकेट पर आरोप लगे। इसके बाद इंटरनेट पर UPSC को घेरा जाने लगा कि सर्विस एलोकेट करने से पहले अगर कैंडिडेट का सर्टिफिकेट भी चेक नहीं किया जा रहा है तो कैसे इस संस्थान पर भरोसा किया जाए। इसी बीच सोशल मीडिया यूजर्स एक और नाम सामने ले आए। ये नाम था 2011 बैच के IAS अधिकारी अभिषेक सिंह का। सोशल मीडिया पर एक लिस्ट पोस्ट की गई जिसमें अभिषेक सिंह के नाम के आगे PH कैटेगरी यानी दिव्यांगता कैटेगरी में LD लिखा हुआ है। यहीं से बवाल की शुरुआत हुई। लोग कहने लगे कि अभिषेक सिंह के जिम में वर्कआउट करते हुए और म्यूजिक वीडियोस पर डांस करते हुए वीडियो देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये LD कैटेगरी में फिट होते होंगे। सोशल मीडिया यूजर्स अभिषेक सिंह पर फर्जी सर्टिफिकेट से IAS बनने का आरोप लगाने लगे। दरअसल LD का मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। UPSC में दिव्यांगता की कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलने का नियम है। इन नियमों में एक पॉइंट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसमें हड्डियों और जोड़ों में समस्या की वजह से चलने फिरने में समस्या होती है। इसी कैटेगरी में बौनेपन और एसिड अटैक सर्वाइवर को भी जगह मिलती है। जौनपुर के रहने वाले अभिषेक सिंह के सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। इसमें अकेले इंस्टाग्राम पर ही ये संख्या 50 लाख के पार है। अभिषेक सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पिछले कई वर्षों से रील्स और वीडियो बनाकर पोस्ट किए जाते रहे हैं। इसमें कई म्यूजिक वीडियोज और जिम में वर्कआउट करने के वीडियो भी हैं। अब सोशल मीडिया यूजर्स ये वीडियो जिनमें अभिषेक सिंह किसी भी शारीरिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति की तरह नाचते और वर्कआउट करते दिखाई दे रहे हैं, लगाकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर UPSC ने इन्हें LD कैटेगरी में उपयुक्त पाया। अभिषेक सिंह का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। जौनपुर के रहने वाले अभिषेक सिंह का UPSC सिलेक्शन 2011 में हुआ, बतौर IAS उत्तर प्रदेश कैडर मिला। हालांकि अभिषेक की इमेज कम से कम सोशल मीडिया पर तो हमेशा एक शोमैन की रही है। इसी पहचान को दुरुस्त रखने के लिए की गई ये कोशिश उन्हें पहली बार ट्रोल्स के निशाने पर ले आई थी। 17 नवंबर 2022 को गुजरात इलेक्शन में ऑब्जर्वर के तौर पर अभिषेक सिंह की ड्यूटी लगी और उन्होंने उसी दिन इंस्टाग्राम पर गाड़ी पर ऑब्जर्वर की बड़ी सी नेम प्लेट के साथ एक फोटो पोस्ट कर दी। ट्रोल्स ने तो इसके लिए अभिषेक सिंह को ट्रोल किया ही। चुनाव आयोग ने भी इस तस्वीर को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए अभिषेक को नोटिस भेज दिया। हालांकि अभिषेक सिंह ने इस मामले पर ट्वीट करके कहा कि एक पब्लिक सर्वेंट अगर पब्लिक के पैसे से खरीदी हुई गाड़ी से पब्लिक ड्यूटी करते हुए पब्लिक से कम्युनिकेट कर रहा है तो ना तो ये पब्लिसिटी है और ना ही स्टंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक सिंह को साल 2015 में दिल्ली सरकार के साथ काम करने के लिए, 3 साल बाद साल 2018 में डेप्यूटेशन 2 साल के लिए और बढ़ाया गया। 2020 में उन्हें लंबी छुट्टी की वजह से उनके होम कैडर उत्तर प्रदेश वापस भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में अभिषेक सिंह ने काफ़ी समय तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 के फरवरी महीने में बिना किसी जानकारी के लंबे समय तक रिपोर्ट ना करने की वजह से अभिषेक को नोटिस भेजा था। सितंबर 2023 में अभिषेक सिंह ने सर्विस से इस्तीफा दे दिया, जिसे केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में मंजूर कर लिया। तब खबरें चली थी कि अभिषेक सिंह अब पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स में जाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने सर्विस में रहने के दौरान ही कई म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्मों और कुछ एक फिल्मों में भी काम किया। इनमें से नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम, शॉर्ट फिल्म 4-15, बी प्राक का म्यूजिक वीडियो दिल तोड़ के और नवंबर 2023 में सनी लियोनी के साथ थर्ड पार्टी वीडियो चर्चा में रहे। दूसरी तरफ इस साल के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जौनपुर में उनकी गंभीर सक्रियता दिखाई दी, जिसके बाद लोगों ने अंदाजा लगाया कि अभिषेक जौनपुर से लोकसभा टिकट की दौड़ में हैं।
उनके कामों में एक काम जौनपुर से अयोध्या धाम के लिए दर्शन के लिए मुफ्त बस सर्विस भी थी। इसके अलावा अभिषेक सिंह ने मुफ्त कोचिंग और रक्तदान शिविर जैसे कई समाज सेवा के काम करते हुए भी सोशल मीडिया पर धुआंधार पोस्ट किए। अभिषेक सिंह के पिता प्रांतीय पुलिस सेवा यानी PPS से प्रमोट होकर भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS से रिटायर हुए। लखीमपुर खीरी की 2010 बैच के जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और अभिषेक सिंह ने साल 2011 में शादी की थी। दुर्गा शक्ति नागपाल की इमेज एक तेज तर्रार और निडर IAS अधिकारी की है। दुर्गा शक्ति नागपाल इससे पहले बांदा की जिलाधिकारी रही हैं। अभिषेक सिंह से छोटे इनके एक भाई और एक बहन हैं। तीनों ने ही UPSC की तैयारी की थी लेकिन सिलेक्शन अभिषेक का ही हुआ। अभी ताजा विवाद पर इंडिया टुडे हिंदी की टीम ने अभिषेक से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। हालांकि अभिषेक ने शनिवार 13 जुलाई को खुद पर लग रहे आरोपों और रिजर्वेशन के दुरुपयोग की बात पर एक लंबा जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। अभिषेक सिंह को अपने पुरुषार्थ, कर्मठता और साहस के लिए जाना जाता है, किसी की कृपा के लिए नहीं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, किसी आरक्षण के दम पर नहीं। सर्टिफिकेट के मसले पर उन्होंने लिखा, आपको यह भी बता दूं कि UPSC में कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता। जिसने भी UPSC दिया है उसे यह पता होगा। तो यह फर्जी प्रोपेगेंडा बंद करें। जिसको जो भी पूछना है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। हालांकि इस लंबे चौड़े जवाब के बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आपने मूल प्रश्न तो गायब कर दिया, आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको UPSC ने किस आधार पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन दिया, और अगर आप ठीक हो गए हैं तो उन तमाम दिव्यांग लोगों से वो तरीका शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी आपकी तरह आम जीवन जीने का मौका मिल सके। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि यह सारा विवाद ठीक उस समय सामने आया है जब अभिषेक सिंह तमाम क्षेत्रों में तमाम कोशिशों के बाद सर्विस में दोबारा लौटना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।